सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इन हीरोइनों को पसंद नहीं आया कोई हिंदुस्तानी, सबने की विदेशी से शादी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बरेक मुमताज, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है 70 के दशक की सबसे हसीन अदाकारा मुमताज का, जिन्होंने अपने करियर के चरम पर रहते हुए मयूर माधवानी नामक बिजनेसमैन से 1974 में शादी कर ली। मुमताज की एक बेटी भी है जिनकी शादी फरदीम खान से हुई है। शादी के बाद मुमताज ने हमेशा के लिए फिल्मों को अलविदा कह दिया। दो, जूही चावला। जूही चावला ने अपने से उम्र में 8 साल बड़े जय चावला को अपने जीवन साथी के तौर पर तब चुना जब वो बॉलीवुड में टॉप की अभिनेत्री थी और उनका करियर कामयाबी को छू रहा था। जय और जूही की शादी 1997 में हुई थी। जूही चावला बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकाराओं में से एक है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जूही चावला कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। तीन, मीनाक्षी सेसाद्री। मीनाक्षी सेसाद्री ने 1995 में NRI बिजनेसमैन अरुण भास्कर से शादी की थी। शादी के बाद मीनाक्षी ने फिल्मों को अलविदा कर दिया और टेक्सास जाकर अपने पति के साथ बस गई। मीनाक्षी और अनिल के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। मीनाक्षी बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक थी, उन्होंने अपने हर रोल के लिए खूब वाहवाही बटोरी है। चार, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित ने US बेस्ट डॉक्टर श्री राम नेने को अपने जीवन साथी के तौर पर तब चुना जब वो बॉलीवुड में हजारों लोगों की धड़कन हुआ करती थी। माधुरी दीक्षित शादी के बाद अमेरिका जाकर बस गई थी। माधुरी और मिस्टर नेने के आज दो बेटे हैं, रियान और रिदाना। माधुरी ने वापिस आने के बाद सोनी टेलीविजन पर आने वाले शो झलक दिखला जा से वापसी की थी। पाँच, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर के अलावा अक्षय कुमार से अफेयर की खबरों की वजह से भी खासा चर्चित रही है। शिल्पा और अक्षय का रिश्ता एक समय में शादी तक भी पहुंच गया था और बाद में टूट गया। इसके बाद शिल्पा ने लंदन बेस्ड बिजनेसमैन राज कुंदर से शादी की। राज और शिल्पा की शादी को 8 साल हो गए और उनका एक बेटा भी है।